बाल्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पूर्णकालिक निदेशक श्री प्रमोद सूरी ने कहा है कि वेदांत समूह की कंपनी बाल्को क्षेत्र के चहुंमुखी विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर है। उन्होंने ये उद्गार बाल्को नगर के अवधूत भगवान राम सेवाश्रम में सर्वेश्वरी समूह की ओर से राष्ट्र एवं समाज के विकास विषय पर आयोजित एक प्रादेशिक सम्मेलन में व्यक्त किए। बाल्को नगर के अवधूत भगवान राम सेवाश्रम में सर्वेश्वरी समूह की ओर से आयोजित प्रादेशिक सम्मेलन में बाल्को प्रमुख श्री प्रमोद सूरी ने बताया कि बाल्को प्रबंधन न सिर्फ तकनीकी विकास का पक्षधर है बल्कि उसके द्वारा क्षेत्र के नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए भी स्वास्थ्य शिक्षा और स्वावलंबन से संबंधित अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे आश्रम में आने का, ऐसे लोगों के बीच में बैठने का मुझे अवसर मिला जो कि ना केवल अपना स्वार्थ बल्कि जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं। मानव की सेवा, मानव का कल्याण, कुष्ठ रोगियों का कल्याण, करीब 19 सूत्री कार्यक्रम मैंने देखा और देख के इतना अच्छा लगा कि आज भी हमारे बीच में, आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, बाबा जैसे महान लोग जिनके आशीर्वाद से, जिनकी प्रेरणा से हमारे भाई बहन ऐसा कार्य करना चाहते हैं कि समाज में जो जरूरतमंद लोग हैं उनका हम लोग कुछ मदद कर सके, कुछ सहायता कर सके, क्योंकि ये मानव शरीर जो है ये बार बार नहीं मिलता और आज हमें ईश्वर ने ये कृपा दी है कि हम लोग इस काबिल हैं कि हम किसी के काम आ सके, किसी की सेवा कर सके। तो एक बहुत ही अच्छा महायज्ञ जो आप लोग कर रहे हैं। मैंने पूछा कि कहाँ कहाँ आश्रम की एक्टिविटीज हैं, कहाँ कहाँ गतिविधियां हैं, तो मुझे पता चला कि वाराणसी में और जशपुर में, अंबिकापुर में, इसमें काफी जोर शोर से काम हो रहा है लेकिन शायद अपने बालकों में ये काम इतना तेजी से या इतनी गहराई से काम नहीं हो रहा, हालांकि सब लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो मैं आज इस मंच से उन सबको यही आह्वान करता हूं कि आप लोग काम शुरू करिए, हम लोग आपके साथ हैं। जहां बाल्को ने एक तरफ इतना बड़ा 3.5 गुना का प्लांट लगाया और आगे भी प्लांट को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे वेदांता समूह की, स्टरलाइट की ये सोच भी है कि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस जगह से हम अपना रोजी रोटी कमाते हैं, उस जगह के जो जरूरतमंद लोग हैं उनके कल्याण के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए और इसी दिशा में आप लोग देखते होंगे कि CSR के अंडर हम लोग कितना काम कर रहे हैं समाज कल्याण के लिए, गांव के लिए। तो मैंने जो आपकी गतिविधियां देखी, जो आपके कार्यक्रम देखे, उसमें मुझे कोई खास फर्क नहीं लगा बल्कि उसी का एक बड़ा रूप है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये पूरी तरह से निस्वार्थ और परोपकार की भावना से है और हम भी चाहते हैं कि हम इसके साथ जुड़ के इसको एक ऐसा दिशा दें जैसे आप लोग कुछ रोगियों के लिए सेवा करना चाहते हैं। तो हमारा CSR डिपार्टमेंट जो है, जिसमें खेर साहब हैं, हमने कुछ दिन पहले उनसे बात की कि भाई समाज के ऐसे लोगों के लिए कुछ काम किया जाए जो कि जरूरतमंद है, जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं, बोल नहीं सकते, बहरे हैं, गूंगे हैं। आज कोरबा के अंदर 2 स्कूल चल रहे हैं तो बाल्को ने निश्चय किया कि उन स्कूलों को गोद लेके इस तरह से उनकी मदद की जाए कि वो दोनों स्कूल जो हैं वहाँ पे सारी जो सुविधाएं दी जाए ताकि जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको पूरी तरह से मदद मिल सके। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आपके पास इस तरह से और जो भी योजनाएं हैं, 1, 2, 3 ऐसी योजनाएं जिसके ऊपर की आप काम करना चाहते हो, देखिए पैसा कंपनी लगा सकती है लेकिन उसको सही ढंग से उपयोग करने के लिए ऐसे वॉलंटियर होने चाहिए, ऐसे समाज सेवी होने चाहिए जो कि उसको कार्य असली रूप दें और उसका फायदा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे बाल्को परिवार के अंदर सर्वेश्वरी समाज के झंडे तले उस आश्रम के अंदर ऐसे इतने सारे भाई बहन हैं जो इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं। बाल्को उसमें डेफिनेटली अपनी तरफ से पूरी मदद करेगी, जो भी आर्थिक मदद है, जो भी आपको उसमें कुछ सरकार की तरफ से मदद चाहिए,
तो हम चाहते हैं कि सर्वेश्वरी आश्रम के साथ मिलकर के बालकों का सीएसआर डिपार्टमेंट, बालकों की मैनेजमेंट मिलके ऐसे दो तीन अभियान चलाए जिससे कि सही में समाज का कल्याण हो। कोरबा जिले में, कोरबा के आसपास के गांव में ऐसे बहुत से जरूरतमंद लोग हैं और जो जो काम हम करना चाहते हैं और जो काम सर्वेश्वरी आश्रम करना चाहता है उसमें बहुत सारी समानता है और हम ये चाहेंगे कि हम सब मिलके इस कार्य को आगे बढ़ाएं, इस कार्यक्रम में जो भी चीजों की जरूरत है उसको दें ताकि एक बहुत ही अच्छे स्तर के ऊपर ये काम होना चाहिए जिससे कि सही मायने में जो जरूरतमंद लोग हैं उनको लाभ पहुंचना चाहिए। कार्यक्रम में बालको के पॉट रूम उपाध्यक्ष श्री डी के सिंह ने भी सर्वेश्वरी आश्रम के कार्यक्रमों की सराहना करते हुए राष्ट्र के विकास में उसके योगदान को महत्वपूर्ण बताया। बिलासपुर स्थित सर्वेश्वरी शाखा के उपाध्यक्ष बाबा आत्माराम ने श्रोताओं को शाखा के उद्देश्यों और 19 सूत्रीय कार्यक्रमों से परिचित कराया। प्रारंभ में श्री सूरी एवं अन्य अतिथियों ने अवधूत भगवान राम की पूजा कर बालकों की सतत उन्नति की कामना की। आयोजन में बालको महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती गीता सूरी और सलाहकार श्रीमती शशि प्रभा सिंह के अलावा अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद थे। अतिथियों का स्वागत श्रीफल से किया गया। सर्वेश्वरी समूह के प्रादेशिक सम्मेलन में रश्मि वर्मा, ज्योति शर्मा और यशवी देवांगन ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। सर्वेश्वरी समूह के प्रादेशिक सम्मेलन में बालको नगर के अवधूत भगवान राम सेवाश्रम में भंडारा भी हुआ, जिसमें बालको प्रमुख श्री प्रमोद सूरी सहित अनेक बालको अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारजनों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम का संचालन बालको नगर अवधूत भगवान राम सेवाश्रम के मंत्री श्री संतोष शांडिल्य ने किया।